हेलो बच्चों, आज हम अध्याय स्थल रूपों के विकास के भाग दो पे चर्चा करेंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भूकंप पर और भूकंप की उत्पत्ति पे। इसके अलावा हम भूकंप तरंगे और भूकंप से बचने के उपाय पे भी चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हम भूकंप के परिभाषा से, या भूकंप किसे कहते हैं हम ये जानने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, पृथ्वी की सतह के कंपन को ही हम भूकंप कहते हैं। भूकंप को हम अर्थक्वेक भी कहते हैं। बच्चों, प्लेटों की गति, ज्वालामुखी उद्गार अर्थात वोल्केनो एक्सपोज्ड, भूपटल भ्रंश, जलीय भार, ये सब जो हैं भूकंप के कारण हैं। बच्चों, इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्लेटों की गति अर्थात प्लेट विवर्तनिकी, जिसे हम इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक्स की क्रिया कहते हैं, वो है। बच्चों, वर्तमान समय में बड़े बड़े जलाशयों के निर्माण के कारण भू असंतुलन की समस्या उत्पन्न होता है और इसी की वजह से भूकंप आता है। बच्चों, महाराष्ट्र के कोयना में ईयर 1967 में जो भूकंप आया था, उसका मुख्य कारण जो था वो था कोयना जलाशय। तो बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे भूकंप की उत्पत्ति पे। बच्चों, धरातल के नीचे वह स्थान जहां कंपन की घटना आरंभ होती है, उसे हम भूकंप का उद्गम केंद्र या फोकस पॉइंट कहते हैं। बच्चों, उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर सतह पर जहां भूकंप का अनुभव सर्वप्रथम होता है, उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। बच्चों, अधिकेंद्र में भूकंप की तीव्रता सबसे अधिक होती है तथा जैसे जैसे हम अधिकेंद्र से दूर बढ़ते जाते हैं, भूकंप की जो तीव्रता है वो कम होते जाती है। बच्चों, आपको पता है जिस यंत्र से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है उसे भूकंप लेखी कहते हैं, और भूकंप की जो तीव्रता का मापन है वो रिक्टर स्केल पर होता है। बच्चों, आपके लिए जहां पे ये भी जानना आवश्यक है कि भूकंप का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा में किया जाता है उसे सिस्मोलॉजी कहते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम इस चित्र के माध्यम से भूकंप की उत्पत्ति को समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, ये जो पॉइंट है, ये जो सेंटर में पॉइंट है, इसे हम भूकंप का उद्गम केंद्र या फोकस कहते हैं। और इस पॉइंट के ठीक ऊपर आप देख सकते हैं कि जहां पे अधिकेंद्र जो है अंकित है। तो बच्चों, अधिकेंद्र जैसा हम डिस्कस किए कि वह वो क्षेत्र होता है जहां की भूकंप का जो है सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है, और यहां पे भूकंप की जो तीव्रता है वो सबसे अधिक होगी। बच्चों, जैसे जैसे हम अधिकेंद्र से दूर जाते हैं, भूकंप की जो तीव्रता है वो कम होती जाती है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे भूकंप तरंगों पे। तो बच्चों, भूकंप तरंगे अर्थात सेस्मिक वेव, ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला, अनुदैर्ध्य तरंगे अर्थात पी वेव्स, और यह गति में सबसे तीव्र होती है। दूसरा है हमारा अनुप्रस्थ तरंगे अर्थात एस वेव्स, और इनकी गति जो है पी तरंगों से कम होती है। और तीसरा है पृष्ठीय तरंगे अर्थात एल वेव्स, और इनकी गति इन दोनों तरंगों से कम अर्थात सबसे कम होती है। बच्चों, इस फिगर के द्वारा हम सेस्मिक वेव अर्थात भूकंप तरंगों को अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न करेंगे।
आप जो पहला देख रहे हैं ये है आपका पी वेव। इसमें पृथ्वी के आंतरिक सतह पे एक्सपेंशन और कंप्रेशन होता है, अर्थात पृथ्वी एक की सतह जो है एक दूसरे के पास आती है और दूर जाती है। बच्चों, पी वेव में जो तरंगे उठती हैं, उनकी गति जो है इन सभी में सबसे तेज होती है। अब हम बात करते हैं दूसरी एस वेव की। बच्चों, इसमें क्या है कि पृथ्वी की सतह के नीचे जो तरंगे हैं वो एस का आकार बनाती हैं, अर्थात ऊपर उठती हैं तथा नीचे जाती हैं। तो इस स्थिति में पृथ्वी का धरातल जो है या तो नीचे धस जाएगा या ऊपर की ओर उठ जाएगा। अब हमारा तीसरा जो है एल वेव, इसमें क्या होता है, पृथ्वी के सतह के नीचे जो तरंगे हैं वो सर्कल बनाती हैं, जिसके कारण धरातल जो है थोड़ा थोड़ा ऊपर उठता है। बच्चों, इन तरंगों में या इन तरंगों की जो गति है वो सबसे कम होती है। तो बच्चों, ये थे भूकंप तरंगों के प्रकार। अब हम देखते हैं भूकंप की तीव्रता जब होती है या जिस स्केल पे होती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, अगर भूकंप की तीव्रता 0 से 1.9 के बीच हुई तो यह बहुत ही कम माना जाता है और इसका मापन सिर्फ भूकंप मापक यंत्र सिस्मोग्राफ से पता चल सकता है। बच्चों, उसी तरह अगर भूकंप की तीव्रता 4 से 4.9 के बीच होती है तो घरों के खिड़कियों के शीशे टूट सकते हैं, और उसी तरह अगर भूकंप की तीव्रता 7 से 7.9 के बीच होती है तो इमारतें गिर सकती हैं। और बच्चों, अगर ये तीव्रता बढ़ के 9 से ऊपर चली जाती है तो समझ लीजिए पूरी तरह से तबाही जो है वो निश्चित है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे कि भूकंप से कैसे बचा जा सकता है। तो बच्चों, भूकंप से जो बचाव है वो मुख्यतः 3 स्तर पे किया जाता है। पहला, भूकंप आने से पहले बचाव, दूसरा भूकंप के समय बचाओ, और तीसरा भूकंप के बाद बचाओ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले स्तर से, अर्थात भूकंप आने से पहले कैसे बचाव किया जा सकता है। तो बच्चों, सबसे पहली चीज आती है कि घर की बीमा पॉलिसी होनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो बीमा पॉलिसी है या इंश्योरेंस है वो क्या होता है कि अगर हमारी कोई भी चीज नष्ट हो जाती है तो हमें उसके बदले उसकी भरपाई में रकम मिलती है। तो जैसे हम एक इंसान की बीमा करवाते हैं, जैसे हम गाड़ी की बीमा करवाते हैं, ठीक उसी तरह बच्चों हम जो है घर बहुत मेहनत से बनाते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपनी घरों की भी बीमा पॉलिसी ले, ताकि किसी भी प्रकार की क्षति हो जाए तो हमें अफसोस ना हो और मिले हुए बीमा रकम से हम अपने घर का पुनर्निर्माण कर सके। चलिए, तो दूसरा है आपातकालीन योजना बनाना। बच्चों, सबसे जरूरी चीज ये है कि हमेशा एक परिवार में आपातकालीन योजना बनी होनी चाहिए कि अगर अचानक से कोई भी अनसर्टेनिटीज आ जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, तो उससे हमें कैसे बचना है या उस समय हमारे पास क्या क्या सुविधाएं या सामग्री सुरक्षित है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर एक परिवार को आपातकालीन योजना हमेशा बना के रखनी चाहिए। हमारा तीसरा है घर में सुरक्षित स्थानों की पहचान। बच्चों, ये घर के बड़ों का फर्ज है कि वो अपने घर के सभी बच्चों को ये बता दे कि आपातकालीन स्थिति आ जाए या भूकंप आ जाए तो उस समय हम कहां पे अपनी सुरक्षा के लिए छिप सकते हैं। घर के सुरक्षित स्थान हो सकते हैं पलंग के नीचे,
दीवार का कोना या दरवाजे के पास, अर्थात भूकंप की स्थिति में हमें ऐसी जगह की तलाश करनी चाहिए जिसके अंदर या जिसके नीचे हम छिप सकते हैं, ताकि कोई भी चीज टूटे फूटे तो वो डायरेक्ट हमारे सिर पर ना गिरे। बच्चों, चौथा स्टेप है समय समय पे विशेषज्ञों द्वारा घर की नींव की जांच करना। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, घर की नींव का अर्थ है घर का जो पिलर होता है, जिसके ऊपर हमारा पूरा मकान खड़ा होता है। तो बच्चों, मकान के दबाव के कारण घर की नींव जो है वो धीरे धीरे समय अंतराल पे कमजोर पड़ती जाती है, और ऐसी स्थिति में भूकंप की हालात में पूरा घर तुरंत गिर सकता है। इसलिए हमें समय समय पे विशेषज्ञों द्वारा घर की नींव की जांच करवानी चाहिए। तो बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपनी चर्चा भूकंप से बचाव को जारी रखते हैं। अब हम देखेंगे कि भूकंप आने के दौरान हमें कैसे सुरक्षित रहना है। तो बच्चों, अगर आप घर के अंदर हैं, तो आप सुरक्षित स्थान पे रहें। जैसा कि पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि घर के अंदर सुरक्षित स्थान कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि दीवार का कोना, टेबल के नीचे, दरवाजे के नीचे इत्यादि। बच्चों, दूसरा स्टेप है, घर के अगर आप बाहर हैं, तो खुली जगह पे जाइए, अर्थात आप कोई भी ऐसी जगह पे खड़े होने से बचिए जहां आपको क्षति पहुंच सकती है, जैसे मकान के नीचे, पेड़ के नीचे इत्यादि। तो बच्चों, भूकंप की स्थिति में आप अगर बाहर हो तो खुले मैदान में खड़ा होना प्रीफर करिए। जो तीसरा पॉइंट है वो है, समुद्र के अगर आप किनारे हैं तो आप समुद्र के पास नहीं जाइए, क्योंकि भूकंप के कारण समुद्रों में भी हलचल होती है और उनकी लहरें तेज हो जाती हैं। तो अगर आप समुद्र के किनारे हैं तो किसी ऊंची जमीन की तरफ भागिए। हमारा चौथा पॉइंट है, अगर आप वाहन चला रहे हैं तो वाहन के अंदर मत बैठे रहिए, क्योंकि भूकंप की स्थिति में रोड भी फट जाती हैं और आपका वाहन उसके अंदर समाने का डर है। तो आपको क्या करना है कि वाहन से निकल के खुली जगह पे दौड़ना है या भागना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा भूकंप से बचाव को जारी रखते हुए अब हम देखते हैं कि भूकंप के आने के बाद आपको कैसे बचाव करना है। तो सबसे पहली चीज कि स्थानीय रेडियो एवं दूरदर्शन केंद्रों के प्रसारण को लगातार सुनते रहिए, ताकि आपको हर एक पल की खबर मिलती रहनी चाहिए कि भूकंप शांत हुआ है या दोबारा आने की भी संभावना है, और आप उसी अनुसार अपने आप को तैयार कर सके। बच्चों, दूसरा स्टेप है, अगर आपको चोट लगी है तो तुरंत प्राथमिक चिकित्सा प्राप्त कीजिए। और तीसरा पॉइंट है कि भूकंप के बाद बिजली की आपूर्ति बंद कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी शॉर्ट सर्किट या किसी भी प्रकार की क्षति हो सकती है। और अगला पॉइंट है कि क्षतिग्रस्त इमारत में है तो बाहर निकलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर इमारत पूरी तरह से नहीं गिरा है तो भूकंप के बाद भी वो कमजोर पड़ जाने के कारण गिरने लगता है। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने भूकंप पे चर्चा की। इसके अलावा हमने भूकंप की उत्पत्ति, भूकंप तरंगे और भूकंप से बचाव पे भी चर्चा की। बच्चों, इसका रेफरेंस है भूगोल कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे मुख्य स्थलाकृतियों पे और नदी के कार्य अपरदनात्मक स्थलाकृतियों पे। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे नदी के कार्य में निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों पे। तो बच्चों, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।